नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ द डीजो बड्स पी। जी हाँ, मेरे हाथ में जो है प्यारा सा लिटिल TWS ईयरफोन्स, इसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, इसकी हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कॉल क्वालिटी कैसी है, और इसके अलावा बैटरी कैसे चलती है, एंड फाइनली गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है, एंड क्या ये वन ऑफ द बेस्ट TWS ईयरफोन्स है बिलो 1300 रुपीस, क्योंकि ये सिर्फ 1299 रुपीस का है ऑन Flipkart राइट नाउ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। ओके, तो मेरे हर एक वीडियो की तरह सबसे पहले हम देखेंगे डब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीजो बड्स पी, ये है उसका सुंदर सा चित्र। नीचे लिखा हुआ है Realme Tech Live, बिकॉज ऑब्वियसली ये Realme के लिंक ऐप के साथ भी आप यूज कर सकते हैं और इसे पेयर कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन हो। क्या ये आईफोन के साथ भी चलता है वो हम पता कर लेंगे आगे चल के इस वीडियो में। अब इस साइड में डब्बे में बस बार कोड है, इस साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको बता दूं यहाँ पे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 mm के इसके डायनामिक ड्राइवर्स हैं, 40 hours का टोटल प्ले टाइम है, 10 minutes का चार्ज इसे 4 hours का म्यूजिक सुनने का कैपेबिलिटी देगा, तो काफ़ी अच्छी बात है वो। लो लेटेंसी गेम मोड भी है, एंड आई बिलीव इसका जो लेटेंसी है दैट इज़ अराउंड 88 ms/s। ब्लूटूथ 5.3 का टेक्नोलॉजी है इसमें, और नॉइस कैंसिलेशन भी है कॉल्स पे, तो ये इस चीज़ का दावा करती है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस डब्बे के नीचे में तो कुछ नहीं है, पूरा खाली है। अब डब्बे के पीछे में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप घबराइए मत, इसका जो प्राइस है ना डब्बे में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और क्लोज लेके आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप प्राइस देखेंगे ये है 3499, पर यार ये फ्लिपकार्ट में आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पे मिल रहा है और इसका प्राइस इज ओनली 1299, यानी ये 1300 रुपये का है सिर्फ और सिर्फ ऑन फ्लिपकार्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इसे खरीद सकें फ्लिपकार्ट पे जा करके। अब एट 1300 रुपीस ये ईयरफोन्स जो है इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ईयरफोन्स स्पेशली बिलो 1500 रुपीस, और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि 1500 रुपए के नीचे में क्या ये अब दी बेस्ट TWS ईयरफोन्स है। बिकॉज डीजो के जो प्रोडक्ट्स है मैंने पास्ट में भी यूज़ किए हुए हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है डीजो की एंड रियलमी के जो प्रोडक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। तो क्या ये प्रोडक्ट भी सेम टू सेम परफॉर्म करेंगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, वही हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। अरे आप देख रहे हैं स्टिकर तो इसमें लगा हुआ है पूरे तरीके से, सो ये ब्रांड न्यू पैक है, और मैं सारे रिटेल यूनिट्स ही लेता हूँ यार, मुझे कोई रिव्यू यूनिट्स नहीं मिलते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जब आप वीडियो देखेंगे ना, यू कैन एक्सपेक्ट एन ऑनेस्ट यूजर रिव्यू, एन अनबायस्ड यूजर रिव्यू, क्योंकि मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है या ये रिव्यू यूनिट्स मुफ्त में नहीं दे रहा है यार, मैं खुद अपने पैसे दे करके इन यूनिट्स को खरीदता हूँ। तो डब्बे के अंदर क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। डब्बा अब खाली हो गया है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इस डब्बे को मैं साइड कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो डब्बे के अंदर सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंटेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को फेंकेगा मत, क्योंकि कभी कभार उसमें यू नो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। सो डॉक्यूमेंटेशन को साइड में संभाल के रखिएगा। इसके अलावा और कोई वारंटी कार्ड वार्ड नहीं है, तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही वारंटी का इन्फॉर्मेशन भी होगा। इसके अलावा आपका ईयरफोन का ये डब्बा है, मैं इसे खोलता हूँ थोड़ी ही देर में, और अच्छी बात यह है कि इसमें एक केबल भी दिया हुआ है चार्ज करने के लिए। तो कोई कोई ईयरफोन्स तो एक केबल भी नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक केबल मिल रहा है। केबल छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पर यार इट्स नॉट दैट बैड यार, आई मीन USB-C टाइप चार्जिंग आप इससे कर सकते हैं, तो ये USB-C टाइप पोर्ट है। तो इसके अलावा आपको मिलेगा ईयरफोन्स इटसेल्फ, इसे खोलते हैं फटाफट यहाँ से ऐसे, और ये डब्बा जो है बड़ा ही क्यूट है, इनफैक्ट बहुत छोटा है यार, आई थॉट कि ये थोड़ा और बड़ा होगा,
तो ये डब्बा बहुत ही मिनी साइज का है। मैं इसे ओप्पो एनको एयर के साथ भी कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ इसका डब्बा थोड़ी देर में, पर इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड एज ऑलवेज मुझे डीजो और रियलमी के जो बड्स की जो केस की क्वालिटी है या ईयरफोन्स की जो क्वालिटी है ना, हमेशा से अच्छी लगी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, एट एक मैट सा टेक्सचर है, ग्लॉसी नहीं है। एंड अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मैं जनरली मैट टेक्सचर को और ज़्यादा पसंद करता हूँ ओवर ग्लॉसी। ग्लॉसी फिनिश ना स्पेशली इन प्लास्टिक इट लुक्स लिटिल चीप, बट मैट से क्या होता है थोड़ा सा रिच फीलिंग आता है। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका यूएसबी सी वाला पोर्ट है तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। चलो ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी बंद और खुलने की जो क्वालिटी है वो साउंड कैसे आता है। तो नॉट बैड यार, इट्स प्रीटी गुड। आई मीन जो फीलिंग है ना, एक हेफ्ट है इसकी जो ढक्कन है ना उसमें एक हेफ्ट सा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बंद करने से भी वो आवाज़ जो है इट्स प्रीटी नाइस एंड या इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री यार, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि केस की जो चार्जिंग केस है उसकी बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड। अब मैं आपको ईयरफोन्स की भी क्वालिटी दिखा देता हूँ। इसको निकालते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। ईयरफोन्स काफ़ी हल्के हैं पर दे लुक ब्यूटीफुल यार, दे लुक वेरी नाइस। मैं अपने दाहिने हाथ में ले लेता हूँ इसे ताकि आपको और क्लोजली दिखा सकूँ इस ईयरफोन्स को। तो ईयरफोन्स जो है वो कम्प्लीटली ग्लॉसी फिनिश में आ रहे हैं, देयर इज़ नो मैट ऑन द ईयरफोन्स। काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, छोटे हैं एंड दीज आर ओपन ईयर डिजाइन, इट्स नॉट क्लोज ईयर डिजाइन। यहाँ पे आपको बट टिप्स मिले है ना। एंड वापस मैं हमेशा से ओपन ईयर डिजाइन का ही शौकीन रहा हूँ, क्योंकि जो क्लोज ईयर डिजाइन होते हैं ना उनको मैं ज्यादा देर तक अगर लगाता हूँ अपने कानों में, मुझे ऐसा लगता है कि यार कान बंद सा हो गया है। एंड वो सिलिकन जो बट टिप्स है ना उसके कारण कभी कभी यू नो कानों में बहुत लंबे समय के लिए यूज करने से खुजली भी होने लगती है। आई मीन एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ज़्यादा करके YouTube में यू नो आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जहाँ पे यू नो एक रिव्यूअर आपको बोलेगा यार कानों में खुजली हो रही है। यार एटलीस्ट पर्सनली मुझे तो होती है विद दोज बट टिप्स, दैट्स वाई आई पर्सनली लाइक दीज ओपन ईयर डिजाइंस। ऑलराइट, और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैं जनरली ये ईयरफोन्स ना कॉल्स पे काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो जब आप एक लंबे कॉल्स पे हो, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो दिस ओपन ईयर जो डिज़ाइन है ना वो आपके कानों को हर्ट भी नहीं करता है और आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं ऑन दोज लंबे चौड़े कॉल्स, लाइक 4-5 घंटे की अगर आप कॉल्स ले रहे हो। तो दिस इज़ मोर कम्फर्टेबल देन हैविंग दोज क्लोज टू योर डिज़ाइन विद दोज बट टिप्स। सो आई एक्चुअली क्वाइट लाइक इट। और ईयरफोन्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, दे आर ग्लॉसी बट द बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली नाइस। केस की बिल्ड क्वालिटी तो इज़ वेरी वेरी गुड। और ये है आपका राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। तो इस डब्बे में ये कैसे जाता है, आप बस ऐसे रिवर्स करके इसे ऐसे डब्बे में घुसा देंगे और ये स्नैप होके बंद हो जाता है, जो अच्छा सेटिस्फैक्ट्री आपको वो साउंड देता है। तो इसकी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं इसे फाइनली यूज भी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही है विद द डीजो बड्स पी। ओके, नाउ पेयरिंग के लिए जैसे ही आप इसे केस से निकालेंगे, ये आपके आईफोन पे मैं सबसे पहले इसे पेयर करता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है डीजो बड्स पी। तो पेयरिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल, मैं इसे यहाँ पे ऐसे दबा दूंगा, ऑलराइट, और इमीडिएटली ये पेयर हो जाता है। ये यहाँ पे पेयर हो गया डीजो बड्स पी। यहाँ पे अब मुझे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड एकदम आराम से। सो द पेयरिंग प्रोसेस ऑन एन आईफोन इज सीमलेस। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं रियलमी लिंक ऐप जो है लिंक ऐप में चलता हूँ और लिंक ऐप में आईफोन पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बड्स पी कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। ये देखिए बड्स एयर 2 है, आपका गो पॉड्स है, बड्स Q2 है, बट बड्स पी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ योर डिवाइस डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द अबव डिवाइस टाइप्स इट मींस दिस ऐप डज नॉट सपोर्ट योर डिवाइस। इसका मतलब है कि आईफोन पे अगर आप रियलमी की लिंक ऐप यूज कर रहे हैं, आप इसे आईफोन पे लिंक ऐप के थ्रू नहीं यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये एक दिक्कत होगी फॉर आईफोन यूजर्स। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बता दूं। ऑन आईफोन मैं एंड्रॉयड के साथ इसे पेयर करके एंड्रॉयड की जो पेयरिंग के बाद ऑडियो क्वालिटी विद एन एंड्रॉयड डिवाइस भी आपको बता दूंगा, पर सबसे पहले आईफोन। नाउ अगर आप देखेंगे ऑन द वॉल्यूम बटन यहाँ पे, तो द वॉल्यूम इज रफली अराउंड
आप बोल सकते हैं क्लोज टू 55-60%. नाउ ये काफ़ी लाउड है ऑन द आईफोन इज वेल, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर बजट ईयरफोन्स, जहाँ पे मैंने नोटिस किया हुआ है कि जब आप आईफोन के साथ उसे यूज़ करते हैं उसकी लाउडनेस इतनी अच्छी नहीं है. मैंने बोल्ट ऑडियो की जो बोल्ट ऑडियो का एक ईयरफोन्स था उसे ट्राई किया हुआ था विद एन आईफोन एंड देन विद एन एंड्रॉयड. एंड्रॉयड पे इट वॉज लाउडर बट ऑन द आईफोन इट वॉज नॉट लाउड इनफ. पर विद द डीजो बड्स एंड स्पेशली प्रोडक्ट्स लाइक डीजो या रियलमी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें अच्छी बात यह है कि चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, आपको जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो मोर ऑर लेस द सेम मिलेगी. यहाँ पे भी ये ऑलरेडी इज डिसेंट इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस. और जब मैं इसकी वॉइस को बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 70% हो गया ऑलमोस्ट वॉल्यूम, 80%, 85, 90, 95, इट इज लाउड, इट इज रियली गुड. एंड ये 100% है. वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता दूँ. नाउ द ऑडियो क्वालिटी इज रियली गुड, लाउडनेस इज एक्सेलेंट. रही बात इसकी जो साउंड की जो क्वालिटी है, द हाइज, द बेस, द मिड्स, एवरीथिंग इज रियली बैलेंस्ड. तो आपको कुछ ट्वीक भी नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग इट विद एन आईफोन, बिकॉज इट्स गिविंग यू अ वेरी बैलेंस्ड साउंड. कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत सारे बजट ईयरफोन्स में बेस कम होता है और जो हाइज है वो ऐसा लगता है कि यू नो आपके कान को फाड़ देगी, पर इसमें इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड साउंड एंड आई क्वाइट लाइक इट बिकॉज इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये एक्सपीरियंस दे रहा है. और आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है आप सेटिंग्स में हमेशा जा करके, यहाँ पे जो म्यूजिक सेटिंग्स है आप उसमें जा करके आप इक्वलाइजर सेटिंग में घुस करके आप हमेशा चेंज कर सकते हैं वट एवर इक्वलाइजर सेटिंग यू वॉन्ट. आई जनरली कीप इट ऑन जैज बिकॉज मेरे को ये सेटिंग काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर आपको कोई और सेटिंग पे रखना है इसे आप इसे रख सकते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो क्वालिटी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स विद एन आईफोन इज एक्सेलेंट. ओके, तो समय आ गया इसे एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट करके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है डीजो बड्स पी. जैसे ही आप इस बड्स को अपने केस से निकालेंगे यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे दो स्टेप प्रोसेस है पेयर करने के लिए आपको बोलेगा, तो ये इमीडिएटली पेयर हो गया है. सो द पेयरिंग प्रोसेस वेदर इट्स ऑन योर आईफोन वेदर इट्स ऑन योर एंड्रॉयड फोन इज सीमलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें एक चीज़ है, जनरली यहाँ पे यू नो एक और कोडेक का ऑप्शन मिलता है इन अ लॉट ऑफ अदर ईयरफोन्स, वो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रहा है. लेट मी जस्ट चेक हियर. ऑलराइट, इसमें आप नेम चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स चेक आउट द ऑडियो क्वालिटी. मैं सेम ट्रैक यहाँ पे भी चलाऊंगा एप्पल म्यूजिक पे जा करके ताकि मुझे क्वालिटी पता चल जाए कि कैसी है इसकी ऑडियो क्वालिटी. सो लेट्स गो टू एप्पल म्यूजिक. सो हियर लेट मी प्ले दिस एंड गिव यू माई एक्सपीरियंस कि एंड्रॉयड के साथ इसका कैसा है ऑडियो क्वालिटी. सो आई एम जस्ट गोना प्लेस इट हियर नीचे में थोड़ा सा एंड मैं इसका जो वॉल्यूम है आपको दिखा दूं कितने में रखा हुआ है मैंने वॉल्यूम को. तो ये रहा यहाँ पे. ओके, ये देखिए वॉल्यूम 50% पे है एंड द ऑडियो साउंड्स प्रीटी गुड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगेन ऑन एंड्रॉयड फोन इज वेल. वॉल्यूम को मैं धीरे से बढ़ाता हूँ, 65, 70, 75, 80, 85, रियली गुड, वेरी लाउड, 95, 100, wow, it's loud. And again, straight out of the box, the audio quality on this is really, really fantastic. There is no place to complain because ये काफ़ी अच्छा audio quality मुझे दे रहा है यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा इस पर comment नहीं करूँगा. All I can say is whether it's Android, whether it's iPhone, the audio quality will not disappoint you. आप आँख बंद करके इसे ले सकते हैं for the audio quality alone. अब मैं फटाफट आपको इसमें Realme Link app में जाके भी बता देता हूँ कि ये Realme Link app में क्या मुझे इसकी जो availability है क्या वो दिखाएगा on an Android phone. So let me just jump over to the Realme app and okay, got it, all right. Deezo Buds P यहाँ पे देखे immediately दिखा दे रहा है मुझे. मैं थोड़ा सा ISO ना अपने कैमरा का थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए यहाँ पे, बिकॉज माई फोन इज प्रीटी ब्राइट. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिखा रहा है डीजो बड्स पी, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करूँगा, एग्री करता हूँ, और यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऑन एन एंड्रॉयड फोन विच अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अवेलेबल ऑन योर आईफोन. तो अगर आप आईफोन यूजर्स हैं आप इस Realme Link app को यूज नहीं कर पाएंगे. बट इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं बाय द वे, लेट मी शो यू दोस ऑप्शंस. ऑलराइट, सबसे पहले आपको मिल रहा है बेस बूस्ट,
ऑल राइट। इसके अलावा आपको ब्राइट एक तो सेटिंग है या और बैलेंस सेटिंग है, वॉल्यूम एनहेंसर है, यहाँ पे आपको गेम मोड भी मिल रहा है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं थ्रू द ऐप। आप टैप करके भी गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भाई रियलमी लिंक ऐप तो चलेगा नहीं आईफोन पे, तो गेम मोड को कैसे ऑन करेंगे, भाई घबराइएगा मत। उसी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैनुअल कभी भी फेंकेगा मत, क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ है आप कितने टैप करके आईफोन पे भी गेम मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे एक और फीचर है ऑटो आंसर, टेक आइदर ईयरबड आउट ऑफ द चार्जिंग केस टू आंसर कॉल्स। यहाँ पे आपको बटन सेटिंग्स भी मिलेगा, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड में क्या क्या सेट करना है। सो ये कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल है थ्रू द रियलमी लिंक ऐप। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कस्टमाइजेशन आप करेंगे ना ऑन रियलमी लिंक ऐप, द सेम कस्टमाइजेशन विल ऑल्सो अप्लाई एंड कैरी ओवर टू आईफोन। सो दैट इज प्रीटी गुड। तो इसमें बेस मोड का क्या कोई डिफरेंस पता चलता है साउंड में, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ और एक सेम गाना चला करके आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूं। तो अब मैं गाना चला रहा हूं विदाउट बेस बूस्ट, ये आपका बैलेंस मोड में। एंड नाउ लेट मी गो ओवर टू द बेस बूस्ट। जैसे ही आप स्विच करेंगे ना एक वुश करके साउंड आएगा। यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। जो बेस है वो अब काफी फुल एंड काफी रिच साउंड कर रहा है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ओवरऑल लाउडनेस है बेस बूस्ट को एक्टिवेट करने के बाद थोड़ा सा वो घट गया है। बैलेंस जो है, बैलेंस में ये ऑब्वियसली और लाउडर है। तो अगर आप एक नॉइजी एनवायरनमेंट में हैं, यूज द बैलेंस्ड सेटिंग। लेट्स टेक ब्राइट एंड सी द सेटिंग एज वेल। नहीं यार, बहुत ही टीनी साउंड है, ये ना एकदम हल्का फुल्का हो जाता। तो मैं, आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी स्विच कर दिया यार, 3 सेकंड सुनने से ही पता चल जाएगा कि ब्राइट इज नॉट द सेटिंग फॉर मी, बिकॉज द वॉइस साउंड्स वेरी टीनी, है ना, ऐसा लगता है कि टिन के डब्बे से आवाज आने लगता है। एंड हाईज बहुत ही ज्यादा लाउड हो जाते हैं। बैलेंस्ड इज वेरी गुड इन लाउड एनवायरमेंट्स। बेस बूस्ट इज वेरी गुड इफ यू आर इन अ रूम, अगर आपको रिच एंड डीप साउंडिंग बेस चाहिए तो इट इज माइटी गुड। मैं गेम मोड को भी यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ, गेम मोड भी ऑन है अभी। गेम का एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में कि कैसा है। बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। आई एम रियली हैप्पी कि ये रियलमी के लिंक ऐप के साथ चल रहा है ऑन एंड्रॉयड फोन। बट आई एम अनहैप्पी कि ये ओनली एंड्रॉयड फोन्स पे चलता है एंड आईफोन पे नहीं चलता है। सो बैड, दैट इज बैड। चलो भाई, मैं फटाफट आपको अपना गेमिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करके बताता हूँ कि यू नो शूट करने से कैसा जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, कोई लेटेंसी वाला इशू है या नहीं है। ओके, नॉट बैड एक्चुअली। मैं सराउंड सा ये भी आ रहा है, आई मीन साउंड व्हेन द कैरेक्टर इज मूविंग एंड शूटिंग फ्रॉम अदर डायरेक्शन, ना मुझे एक्चुअली में आवाज आ रही है। नॉट बैड, हार्डली एनी लेटेंसी, हार्डली एनी डिले, हार्डली कोई लैग, एंड ये काफी अच्छा है। लेट मी शो यू, यू नो आई मीन लेट मी ट्राई एंड कीप माई माइक नेक्स्ट टू द ईयरफोन्स। तो ये मेरा माइक है, मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं आपको शूट करके बताता हूँ ऑल राइट यहाँ पे कैसा साउंड आ रहा है। ऑल्दो इट विल नॉट गिव यू अ क्लियर पिक्चर, बट एटलीस्ट ये आपको एक अंदाजा बता देगा कि कैसे साउंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द लैग या लेटेंसी। सो हियर वी गो। तो ओके, ऑल राइट, ईयरफोन को ऐसे रखते हैं। ऑल राइट, तो ये एकदम ईयरफोन्स के सामने मैंने रख दिया और मैं थोड़ा सा शूट करके आपको बताता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा ये पोर्शन, कैसा आपको लग रहा है वो आप बता दीजिएगा मुझे। मेरे हिसाब से कोई लैग नहीं था, यू नो आई मीन इट इज वेरी प्लेएबल। अगर आप ऐसे शूटिंग गेम्स खेल रहे हैं जैसे पबजी हो गया या अगर आप फोर्टनाइट खेल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। सो मैं कंटिन्यूस शूट करके भी बता दूं आपको। इनफैक्ट लेट मी सी इफ आई कैन चेंज द गन एंड शो यू। गन चेंज करने से वापस आप सुनिएगा ध्यान से। I think it's pretty good. So, let me get the earphones back and let me also get my mic back. All right. So, in terms of gaming, आपका experience बिल्कुल अच्छा होने वाला है because as you saw in the video, there's hardly any latency.
ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसे फटाफट फॉर्म फैक्टर के मामले में ओप्पो एनको एयर 2 से भी कंपेयर कर लूँगा। तो अगर आप दोनों के केसेस को देखेंगे ना, देखिए साइज में कितना डिफरेंस है इसके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीजो बज इज मोर कॉम्पैक्ट, मैं कहूँगा। देखिए इट्स डेफिनेटली मोर कॉम्पैक्ट अगर आप इसे देखेंगे, और ओप्पो एनको एयर 2 इज स्लिमर अगर आप इसे साइड से देखेंगे, तो ये थोड़ा सा और मोटा है। यू नो इसका जो शेप है ना, इट रिसेंबल्स या रिमाइंड्स मी अ लिटिल मोर अबाउट वन प्लस की जो ये बड्स थी, जो ओरिजिनली निकली हुई थी वन प्लस के बड्स, ये एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ शेप इज लाइक दैट काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत और। पर ये तो यार करीबन 6,000 रुपये या 5,000 रुपये का था व्हेन इट केम आउट। ये इज ओनली 1299, यानी 1300 रुपये के नीचे। और मैं इसे अगर कंपेयर करूँ इसके साथ ओप्पो एनको एयर 2, ये रिलीज होने के टाइम में तो 1999 थी, पर अभी इट्स 2299, यानी 2300 रुपये, पूरा 1000 रुपये इससे ज़्यादा। अगर आप बड्स के भी डिज़ाइन को देखेंगे ना, ऑब्वियसली इसकी जो बड्स की जो प्लास्टिक क्वालिटी है दैट इज़ कंपेरेटिवली बेटर। दिस इज ऑल्सो अ लिटल मोर हैवियर ओवरऑल, इवन द बड्स आर अ लिटल मोर हैवियर देन ये डीजो बड्स पी। एक और चीज़ विच इज़ बैडली मिसिंग ऑन डीजो बड्स पी इज, इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं थ्रू टच। पर ऑन ओप्पो एनको एयर 2 अगर आप लेफ्ट या राइट को लॉन्ग प्रेस करते हैं, ऑल राइट, लेफ्ट को लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम घट जाएगा, राइट को लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बहुत लोगों को काफ़ी हैंडी फीचर लगता है, और मेरे हिसाब से भी काफ़ी हैंडी है यार। दिस इज मिसिंग ऑन द डीजो बड्स पी। आप वॉल्यूम को इन बड्स के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, पर अगर मैं इसे साइड भी करूं, डीजो बड्स पी इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो क्वालिटी आई थिंक इज क्वाइट रीजनेबल फॉर द प्राइस दैट इट कम्स एट। यार 1299 इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस, एंड फ्रॉम दैट प्राइस टू वैल्यू रेशियो इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो मैंने अपने नंबर को नहीं दिखाने के लिए उसे इस डब्बे के साथ कवर कर दिया है, पर ये कॉल है, मैं रिकॉर्ड दबाने वाला हूँ अभी, और आपको पता चल जाएगा इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है once I press the record button. So, hello everyone. ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ डीजो बड्स पी की ऑडियो क्वालिटी ऑन कॉल्स। अब आप सुनिएगा इसे ध्यान से, और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैसी लग रही है। मैं साउंड को टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वातावरण है वो काफी शांत है, मैं ऑब्वियसली अपने घर के अंदर हूँ, तो कोई भीड़म भाड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, गाड़ी वाड़ी की यू नो हॉर्न्स की कोई भी आवाज नहीं आ रही है, तो काफी शांत सा एनवायरनमेंट है। ये आपको एक लगभग अंदाजा दे देगा कि अगर आप इसे अपने कॉल्स के लिए यूज कर रहे हैं अपने घर के यू नो वातावरण में, मैं बोलूंगा, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी होने वाली है फॉर दी अदर पर्सन। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसकी ऑडियो क्वालिटी ऑन कॉल्स, और इसकी जो साउंड है वो क्या अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। Please do let me know in the comments section. So again, testing 1, 2, 3, 4. Test 1, 2. This is the Deezo Buds P and the sound check on my Android phone, जिस पे मैं ये call ले रहा हूँ. Okay, battery life के बारे में मैं आपको फटाफट बता दूँ मेरी experience इसके साथ कैसी रही है. मैंने इसे अपने television के साथ connect करके काफी gaming किया हुआ है, और मैंने करीबन 5-5.5 घंटे इसे यूज़ किए हैं आफ्टर टेकिंग इट आउट ऑफ द केस। ऑब्वियसली अगर आप इसे केस में डालेंगे तो आपको क्विक चार्जिंग भी मिलेगा, यानी आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो आई बिलीव इट विल गिव यू 4 hours ऑफ म्यूजिक प्ले टाइम, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इसे कॉल में यूज़ करना चाहते हैं, लंबे लंबे कॉल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, इट्स गोना बी एन आइडियल कंपेनियन फॉर यू, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। यार 1300 रुपये में आपको 5 घंटे से ऊपर ये वन शॉट परफॉर्मेंस दे रहा है, which is absolutely mind-blowing. So, battery life के मामले में एकदम super tick mark and a big thumbs up when it comes to this TWS earphones. तो मैं आपको अपने final thoughts बता देता हूँ कि मुझे इस earphones की actually में जो quality है वो कैसी लगी। In terms of the audio quality, these earphones are excellent यार। In terms of जो touch controls हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत try किया हुआ था, it works around 90-95% of the times, which is the case with any earphones. तो यू नो ट्वाइस टच करने से आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं, 3 बार टच करने से आप नेक्स्ट गाने पे जा सकते हैं। ये सब मैं वीडियो में दिखा नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि मैंने ये टेस्ट कर लिया है, 95% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। ऑलराइट,
एंड द मोर यू यूज इट ना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसे दबाना है. ऑलराइट, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो क्वालिटी थ्रू कॉल्स, आई थिंक इट वॉज वेरी गुड गिवन द फैक्ट कि मैं घर के अंदर था, पर इसकी ऑडियो क्वालिटी रियली सरप्राइज्ड मी. सो फॉर 1299 इट एक्चुअली गिव्स मी अ वेरी गुड ऑडियो क्वालिटी इवन इफ आई एम ऑन कॉल्स इनडोर्स. हाँ, आउटडोर का नहीं मैं बताया हूँ, तो इनडोर के लिए तो काफ़ी अच्छा है इसका ऑडियो क्वालिटी है जो. और इसके अलावा एक दिक्कत जो मुझे लगी, आई एम मेनली एन आईफोन यूज़र, तो आईफोन पे आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पर एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल रहा है और दैट इज़ अ गुड थिंग. तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं विद एन एंड्रॉयड फ़ोन टू सी हाउ इट वर्क्स. इसके अलावा गेमिंग इज़ रियली गुड, 88 ms का इसका जो दावा है, मेरे हिसाब से आई थिंक इट परफॉर्म्स रियली वेल इन गेम्स. देयर इज हार्डली एनी लेटेंसी दैट आई नोटिस्ड एंड द शूटिंग गेम दैट आई शोड यू अ डेमो ऑफ वो काफ़ी प्लेएबल था. तो मुझे नहीं लगता आपको पबजी या फोर्टनाइट वैसे गेम्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है. एंड एट 1299 यानी 1300 रुपये में, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट TWS ईयरफोन्स दैट यू कैन बाई इन द मार्केट टूडे. And instead of buying, you know, any other brand like Bolt ho gaya ya koi bhi dusra brand, I will highly recommend that you check out products by Deezo and Realme. Mujhe paise nahi mil rahe, in fact maine paise de karke ye product ko kharida hai jaise maine aapko bataya. To koi bhi mujhe paise nahi de raha hai ye bolne ke liye. But I am overall really happy with Deezo and Realme products and I will highly recommend them. और आप इसे आंख बंद कर करके ले सकते हैं. ये तीन कलर्स में आता है, मैंने शेडी ब्लू वाला कलर लिया है, शेडी ब्लू काफ़ी शेडी लगता है, पर ये इसके अलावा वाइट और ब्लैक में भी अवेलेबल है. तो आप अपने कलर प्रेफरेंस के हिसाब से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज मैं अमेजोन का एफिलिएट हूँ, फ्लिपकार्ट का नहीं, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट. सो आपको अगर फ्लिपकार्ट पे जा करके इसे खरीदना है, आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. इट इज़ ओनली 1299 यानी 1300 रुपये अगर मैं राउंड फिगर आपको बताऊँ. तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो या आपके कोई सवाल हो इस TWS ईयरफोन्स को लेकर के, कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा. और इसके अलावा अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. और साथ ही मैं वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज़ करूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.